साथियों, आज एक बार फिर से मैं संसार में मोहनिया खाद बीज भंडार पर आया। पिछले वर्ष की बात करूँ तो पिछले वर्ष हमने इनसे गोभी की वैरायटी के बारे में जानकारी की थी कि बरसात के लिए या अभी गर्मियों में किस गोभी की वैरायटी को तैयार कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर जानकारी करेंगे कि जैसे जुलाई में अगर बुवाई करनी है किसी को, या जुलाई में पौध तैयार करने के बाद में करना है, तो कौन सी गोभी की किस्में अच्छी रहेंगी, कौन कौन सी गोभी लगा सकते हैं और उनके क्या प्राइस रहेंगे, क्या समय अवधि रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में रजत भैया से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके पास इस समय कौन कौन सी वैरायटी उपलब्ध है। रजत भाई, अगर मैं जानना चाहूँ तो इस समय गोभी के किसानों को कौन कौन सी गोभी लगाने के लिए आप सजेस्ट करोगे? शुरू की इस समय जो अच्छी गोभी के जो वैरायटी हैं जो मैंने यहाँ रखी हुई है सारी, हाँ, ये ननेम्स की पर्ल ग्लोरी है, ये सिजेंटा की 15/22 है, ये सिप्रा की ऐसा 10 है, इसकी एक और वैरायटी आती है 16/22 गोभी है, ये 21/22 है, ये समर बूम है पान की, ये क्लाउड की स्लैब है और ये जूली है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इनको आप मार्च से लेकर के जुलाई तक कभी भी ला सकते हैं। मार्च से लेके जुलाई तक, मतलब जुलाई तक इनकी पौध तैयार कर सकते हैं या पौध तैयार की लगा सकते हैं? जो सीड है उसकी नर्सरी आप जुलाई तक ला सकते हैं, 1 मार्च से लेके और जुलाई तक। जुलाई में भी इसकी नर्सरी की बुवाई हम कर सकते हैं। नर्सरी अमूमन सभी की इनके कितने दिनों में तैयार हो जाती है? लगभग 25 दिन, 25 दिन, 1 महीना मान लो लास्ट। अच्छा, हो जाती है। और टाइम ड्यूरेशन पूरी फसल का क्या रहता है? 60 दिन में लगभग सारी गोभियां स्टार्ट हो जाती है। 60 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के 60 दिन बाद, प्लांटिंग के बाद, मतलब नर्सरी से लेके हम 90 दिन का टाइम मान के चलिए। हां मान के चलिए, मतलब नर्सरी डालने से लगाने के बाद में 90 दिन में ये गोभी कटने के लिए एकदम से तैयार हो जाए। बिल्कुल। साइज वाइज क्या रहता है इनका? साइज इसका मौसम के हिसाब से होता है, जैसे कि जो अभी गोभी चल रही है ये वाली स्टार्ट हो गई है, उनमें करीब 800-900 ग्राम की गोभी हो जाती है। अच्छा। अब ये गोभी जब बरसात जो होती है उस समय स्टार्ट होगी, उस समय 600-700 ग्राम का रहेगा, क्योंकि बारिश की वजह से इतना नहीं हो पाता है। मतलब इस समय ये सारी सारी वैरायटी जो रखी हुई है ये आपने हो सकता है किसानों को दी हो तो लगी हुई भी होंगी? हाँ, लगी हुई है। लगी हुई है बिल्कुल, और किसी किसी की स्टार्ट भी हो गई, चलना भी स्टार्ट हो गई। तो पहले आप हमें जरा एक एक करके उठा के हमें दिखा दीजिए कौन कौन सी वैरायटी है, क्या क्या टाइम ड्यूरेशन है, क्या कीमत है उनकी। ये BASF की पर्ल ग्लोरी है जी, इसकी कीमत 850 रुपए का पैकेट है ये वाला। इसके अंदर 2500 सीड निकलते हैं। अच्छा, 2500 सीड निकलेंगे। हाँ, ये सीड के हिसाब से इसमें लिया हुआ है, 2500 सीड ये रखा हुआ। अच्छा अच्छा, और ये 850 रुपए का पैकेट है ये वाला जी। ये सिजेंटा की 15/22 है, इसकी कीमत 570 रुपए है। अच्छा, इसके एक पैकेट में 2000 सीड है। सीड है दो। हाँ, ये सीड के हिसाब से आते हैं सारे नहीं है ये। अच्छा। जैसे कि ये है 1 ग्राम के हिसाब से है। अच्छा अच्छा, ये 65,000 रुपए किलो है। 65,000 रुपए किलो जी। कितने ग्राम? 10 ग्राम का। 10 ग्राम जी। ये 21/22 है, 10 ग्राम का पैकेट है, 65,000 रुपए किलो है, मतलब 650 रुपए का पैकेट। 650 का जी। ये पान का 30/35 है, इसकी कीमत 60,000 रुपए किलो है, 10 ग्राम का पैकेट है, 600 रुपए का। हाँ, ये हमें जरा टाइम भी बता दे चलिएगा, कितने टाइम में तैयार हो जाती है नर्सरी के बाद में? वही नर्सरी 25 दिन और उसके 60 दिन में स्टार्ट चलना, सारी लगभग 80-90 दिन का, 2-4 दिन इधर उधर और सब लगभग सेम है, वो सबका 80-90 दिन का टाइम है। ये भी 60,000 रुपए है क्लाउज का, ये 10 ग्राम का पैकेट है। अच्छा, 600 रुपए का एक पैकेट पड़ेगा फार्मर को, और ये 640 रुपए का पड़ेगा एक पैकेट फार्मर को, 10 ग्राम का। 10 ग्राम का जी। अब ये जो दो रहेंगे वो सीड के हिसाब से रहेंगे जी, बाकी वजन के हिसाब से रहेंगे जी जी। जैसे बरसात में तो और ज्यादा समस्या रहती है भाई, इंसेक्टिसाइड की, कीड़े मकोड़ों की, तो ये इनको अलग से ज्यादा दवा देनी पड़ती है या रोग प्रतिरोधी क्षमता है? ये इंसेक्ट जिस तरीके का है तो उस तरीके की केमिकल आते हैं उनसे, वो इंसेक्ट भी खत्म हो जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है इंसेक्ट में। अच्छा जी। तो मतलब एक मेजर प्रॉब्लम होती है बरसात वाली, उसमें क्या होता है गलन बनती है, तो ये गोभियां लवा झेल लेती है, और ज्यादा बरसात हो जाए तो फिर भाई कुछ नहीं खा सकता, फिर तो कोई भी गोभी खराब हो जाती है। नॉर्मली अगर पानी थोड़ा बहुत भरा रह भी जाए खेत में तो झेल लेती है, तो झेल लेगी, यदि कुछ ज्यादा गलने वाली समस्या नहीं होती। तो साथियों, ये करीब करीब 6 से 7 वैरायटी रजत भाई ने बताई, आप इन्हें लगा सकते हो, और शमशाबाद पर इनकी दुकान है, अगर शमशाबाद के आसपास से हो आप तो ये इरादा नगर रोड ना जी, इरादा नगर रोड पर आप आके इनका आप देख सकते हो, गैस एजेंसी के बगल में ही ना जी जी जी, गैस एजेंसी वाली जो गली है उसके कोने पर ही है, रोड पर ही दुकान है मोहनिया खाद बीज भंडार के नाम से।
आप लोग अच्छे से जानते भी हो, तो आप यहाँ पे आके इनसे देख सकते हो, ले सकते हो। बाकी दवाई वगैरह के बारे में आगे फिर भैया से बातचीत करेंगे, जब रोग की थोड़ी समस्या रहेगी तब दवाइयों की बात करेंगे, क्या रोग आते हैं, किस तरह की दवाई आप लोग यूज में ले सकते हैं।